अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशान मसब और आज हम वेरांडा में हैं। आज हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे कि कभी आपने देखा हो कि आप दोस्तों में बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, अचानक से आपकी किसी सहेली, आपकी दोस्त को घर से कोई फ़ोन आता है, कोई टेक्स्ट आता है और वो हड़बड़ी मचा देती है कि मुझे घर पहुंचना है, घर पे कोई इंतज़ार कर रहे हैं। और वो फ़ोन ज़्यादातर उनकी सास का होगा, उनके मियाँ का होगा, वालिदा का कम होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी उस सहेली की ज़िंदगी के हवाले से बहुत कुछ जान रहे होते हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो हमारे सोशल प्रेशर में, जो कि हमारे अंदर एक पल रहा होता है बचपन से कि ये बात डिस्कस नहीं करनी, अपना ये मसला बाहर नहीं बताना, इज़्ज़त रखनी है, उसमें कहीं छुप कर वो अपने आप को अंदर ही अंदर दबाती चली जाती है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है और शायद आप में से बहुत के साथ ये बीतता भी होगा। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ अपना बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जोड़ कर इस मुआशरे में, अपने घर में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। होता ये है कि अगर मेरी किसी दोस्त ने अपनी किसी तकलीफ़ का ज़िक्र मेरे से कर दिया तो मुझे उसको अपने अंदर रखना नहीं आता। क्या ज़रूरी है कि हम अपनी उस सहेली का एतमाद इस बुरे तरीके से तोड़ें और उसी सोशल प्रेशर का एक हिस्सा बन जाएं जिसकी वजह से वो अपनी उस तालीम, अपनी उस प्रोफेशनल तालीम को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रही उसी कॉन्फिडेंस के साथ जहां पर उसका शौहर उससे थोड़ा सा कम प्रोफेशनल लेवल पे गया है? क्या हम सोशल प्रेशर में हिस्सादार बन रहे हैं? मेरे ख्याल में मेरे ऊपर यह फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर मैं ये नोट कर रही हूँ कि मेरी कोई दोस्त, मेरी कोई सहेली, मेरे साथ कोई कलीग अपने रवैये में तब्दीली ला रही है या मुसलसल अपने ही अंदर अपनी ज़ात में बंद होती चली जा रही है, तो उसके साथ उसका मसला डिस्कस कर लेना चाहिए, उससे पूछ लेना चाहिए कि वो किस मसले से दो चार है। होता ये है कि उसे हमारे मशवरे की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ अंदर पकते हुए एक लावे, एक भड़ास को निकालने के लिए कोई एक मौका चाहिए होता है। जो कभी हम प्रेशर कुकर की एक सादा मिसाल है, उसके अंदर प्रेशर पकता चला जाए ना तो वो फट जाता है। तो थोड़ा सा मदद कीजिए अपने इर्द गिर्द के लोगों की और सोशल प्रेशर को थोड़ा वेंट दीजिए।